आज की टॉपिक है जुआ और बिजनेस में क्या अंतर है। इससे पहले ये जानते हैं हम जुआ है क्या। ठीक है, तो जुआ अक्सर किसे कहते हैं कि कोई भी खेल होता है। लोग आजकल तो यही कहता है कि कोई भी खेल हो, मान लो ये लूडो है, कोई भी खेल हो और इसमें अगर हम पैसा लगाते हैं या कुछ भी दाव पे लगाते हैं, कहने का तात्पर्य, तो वो क्या हो गया? जुआ। वो क्या हो गया? जुआ। यही हुआ ना, लोगों का मतलब तो यही है जुआ। देखिए, जुआ का अर्थ होता है वह सभी चीज जुआ है जो हमें पता नहीं है, मतलब जिसको हम जानते नहीं हैं और वो चीज करते हैं। ध्यान सुनिए, वह सभी चीज हमारे लिए जुआ है जो हमें पता नहीं है और वो चीज हम करते हैं, वो क्या होता है? जुआ होता है। फर्स्ट टाइम क्या होता है? वो जुआ ही होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आप शॉप खोले, ठीक है, और इस शॉप मतलब कोई भी दुकान खोले, ठीक है, और इस दुकान को चलाने के लिए आपके पास मतलब नॉलेज नहीं है और आप ये दुकान चलाते हो, ठीक है, तो प्रॉपर जब नॉलेज नहीं है तो ये क्या है आपके लिए? क्या है? रिस्क नहीं है? रिस्क में भी रिस्क है क्योंकि नॉलेज है ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा? जुआ। फिर आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस या ये चीज होगा, तो इसीलिए कहते हैं कि एक बार अगर इसको अगर सीख ले कहीं पे, ठीक है, कहीं पे कोई सीख ले कुछ समय, 2-3-4 एक एस्टीमेट बता रहा हूँ, 1 घंटे कहने तो किसी से समझ ले, किसी से कहते हैं ना नॉलेज लेने के लिए, तो फिर इसकी चांस क्या हो जाएगा? जब ये इसमें नॉलेज हो जाएगा, अब यहाँ पे मान लो 50,000 इन्वेस्ट करता है और इसमें से अगर 2,000 अगर नॉलेज ले लिया, समझ लिया देखे, ठीक है, इसके बाद 48,000 ही इन्वेस्ट किया, तो ये जब इसको कुछ ना कुछ तो नॉलेज आ गया फील्ड में, तो इसके लिए फिर ये चीज वो करना चाहता है, तो ये क्या हो गया? वो फिर वो हो जाएगा बिजनेस में। अब बिजनेस के बहुत सारे पार्ट्स है तो वो टॉपिक हमारा नहीं है, ठीक है, फिर अब इसमें क्या रिस्क है, नहीं है, कितना प्रतिशत रिस्क है, तो अभी तो समझ गए ना आप। तो वह सभी चीज जुआ है जिसका हमें नॉलेज नहीं है, वो हम करते हैं, ठीक है, और नहीं तो वो क्या हो जाएगा? अगर नॉलेज है और कोई चीज में अगर हम करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? बिजनेस हो जाता है। तो ये हो गया सिंपल। अब देखिए, अभी मैंने कहा जुआ एक क्या होता है जनरली, एक और कि कोई भी खेल खेलते हैं, कोई भी खेल, ये भी एक तरह से क्या हुआ, आपकी कोई मनसा होगी आगे कुछ करने के लिए, तभी तो धीरे 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 करते हो, तो कॉम्पिटिशन में तो बहुत सारे होते हैं ना, तभी मैंने कहा है कोई भी खेल खेलते हैं और उसमें हम दाव पे लगाते हैं कुछ भी, तो क्या हो जाता है? जुआ। लेकिन अगर इस खेल का ट्रिक किसी को पता चल गया पूरा प्रॉपर अच्छा से, तो उसके लिए वो खेल क्या हो जाएगा? बिजनेस। उसके लिए वो खेल क्या हो जाएगा बिजनेस। अगर मान लो इस खेल का पूरा ट्रिक पता चल गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसके लिए? वो बिजनेस। और जिसको पता नहीं है, लगा दिए दाव, ठीक है, और पता नहीं है, तो कहते हैं ना किस्मत या क्या होगा नहीं होगा, इसके बाद अगर आ भी गया तो कैसे चलना है, नहीं चलना है, कितने का, तो समझ गए, तो आपको मतलब हारना ही हारना है, और ये नहीं, जरूरी नहीं है, लग भी सकता है, तो वही हुआ जुआ कि 2 का आपको 2 लाख भी हो जाएगा, नहीं तो 2 रुपया लगाओगे 2 रुपया बुरा, फिर 4 रुपया लगाओगे 4 भी बुरा, 10 लगाओगे 10 भी बुरा, क्योंकि आप जुआ खेल रहे हो। अब क्या खेल रहे हो? क्योंकि आपको इस चीज का नॉलेज है नहीं, ठीक है, और उसी में अगर आप कुछ नहीं लगाते हो दाव पे और फिर खेलते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रीड़ा कहते हैं ना, समझ गए। अब यहाँ पे आज और भी है क्रीड़ा, मतलब जानते हो खेल, जैसे कहते हैं ना कोई खेल, तो खेल तो यही है, लेकिन था तो लीडो या कुछ भी खेल खेली है, लेकिन उसमें कुछ दाव पे लगा देते, क्या हो गया? वो जुआ हो गया। लेकिन किसके लिए? अगर जब इसको समझ गए जो अच्छे से, तो पहले क्या होता है? अभ्यास, प्रैक्टिस और कुछ भी, और जिसका ट्रिक या हो सकता है नहीं समझ में आए, कुछ नहीं पकड़ में आए, तो पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा? ये जुआ ही हो जाएगा, क्योंकि ना तो इसे पता ना तो इसे पता है, चलो भाई हमें नहीं आता तुम्हें नहीं आता खेलो, दोनों में आता है दोनों खेलो, समझ गए, कहते ना खेल। तो इसीलिए आप सब यहां का मतलब यही था कि बिजनेस अगर कोई भी आप काम करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले नॉलेज थोड़ा सा गेन कर लो। यहां पे मैंने जॉब नहीं बताया, ठीक है,
तो कुछ ना कुछ कहने का तत्पर आप फिर लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपका फिर क्या होता है, आप बिजनेस करते हो। और बिजनेस में भी आपको फिर इसके बाद रिस्क कितना, आपको टॉप गोल है कि नहीं है, ये सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। इसलिए मैंने कहा था कि जुआ और बिजनेस में क्या अंतर है, ठीक है। तो जुआ आप समझिए वह सभी चीज जिसे हमें क्या है, नॉलेज नहीं है जिसके बारे में, और वो चीज हम करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, जुआ, ठीक है। और अगर जब नॉलेज आ जाए तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए, बिजनेस। अगर नॉलेज आ गया फिर वो करते हैं बिजनेस, ठीक है, समझ गए ना। इसके बाद आप आगे जितना इसको बढ़ाओगे ना उतना चलेगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग सिस्टम होगा, ठीक है। आप एक समझ गए, सब पे अप्लाई कर दो। तो आप इसीलिए जुआ जब खेलते हो तो जुआ खेलना बंद करो, समझ गए ना। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसको समझो, कोई भी चीज में नहीं समझो, दो दिन चार दिन दस दिन का जो जिसमें नहीं समझ में आया तो कहने उसमें मत जाओ, किसी ए बी सी डी ई मतलब समझने की प्रयास करो, कहने का तत्पर कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज को, क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे हो, आज का टॉपिक जॉब नहीं है, जगह आप अपना अगर प्रॉपर बिजनेस कर रहे हो तो ठीक है। तो इसीलिए एक बार ये कहूंगा कि जुआ खेलना बंद करे, नहीं तो इसमें क्या होगा, मैंने इस पे एक बड़ा टॉपिक बनेगा, ठीक है। तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्यों छोटे इसमें हार जाते हैं और बड़े जीतते हैं, मतलब जिसके पास 10 लाख है और किसी के पास 1000 है तो 1000 वाले हार जाते हैं और 10 लाख वाले जीत जाते हैं। इसलिए छोटे को तो ऐसे भी, युवा चाहे कोई भी हो, खेलना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्रीड़ा रूप में आप खेल रहे हो, कभी कभी आप समझते हो दो, लेकिन दो दो करके वही चीज मैंने कहा लंबा हो जाएगा, ठीक है। दो दो करके आप जमा करोगे और एक ही बार में चाहेगा, ठीक है, मतलब समझ गए ना जुआ में। तो इसीलिए जुआ न खेले, ठीक है, जुआ न खेले। आप कोशिश करें समझ के, समझने की प्रयास करें कोई भी फील्ड में, कहने का तत्पर चाहे वो चेस हो, ऐसे खेलना है, ऐसे दिमाग माग ये अलग बात है, मैंने कहा समझना, लेकिन आपको जब समझ ना हो करते हो तो क्या होता है, आप कुछ दाव पे मत लगाओ, ऐसे खेलो, अलग बात है सीखने के लिए। लेकिन ऐसे अगर आप करते हो तो मैंने फिर क्या कहा था, वो हो जाएगा जुआ, और जुआ में क्या क्या हारोगे वो तो बहुत कुछ होगा। तो इस पर स्पेशल एक टॉपिक भी बनेगा, ठीक है, स्पेशल कि क्यों, मैंने अभी कहा ना क्यों मतलब छोटे हार जाते हैं, एक्सेप्शनल बिरला ही होता है जो निकल के आता है, नहीं तो छोटे कमाओ और कहते हैं धीरे धीरे कमाओ और फिर एक बार खेलो अब बुरो, ठीक है, ये सिस्टम। तो वही होता है, समझ नहीं होता है, दो चार किसी को देख लिए समझता है वो ट्रिक समझ गए, ये समझ गए, इसलिए प्रॉपर समझना होता है, ठीक है। तो आप समझोगे, ठीक है।